दोस्तों नमस्कार। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चुनाव सामने है। अगर ऐसे में सब कुछ ठीक नहीं है तो 400 पार का नारा कैसे पूरा होगा। दरअसल बिहार में पशुपति पारस ने बीजेपी को खुला चैलेंज कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। बीजेपी अपनी सूची में एक बार फिर से विचार कर ले। बिहार के सीट शेयरिंग की जो बात सामने आई है उसमें बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान 5, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट और जीतन राम मांझी को भी 1 सीट दी गई है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि चिराग और जेपी नड्डा के मुलाकात के बाद ये तो तय हो गया था कि बिहार में पशुपति पारस को कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें राज्यसभा की 1 सीट, बिहार सरकार में मंत्री पद और राज्यपाल की कुर्सी भी ऑफर की गई, लेकिन पारस इस बात को लेकर के तैयार नहीं हुए। पशुपति पारस ने चेतावनी दी है कि अगर एनडीए में उन्हें सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों हाजीपुर वो सीट है जहां से चिराग पासवान अपनी दावेदारी ठोक रहे, लेकिन अब पशुपति पारस कह रहे हैं कि चुनाव तो वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। ऐसे में तकरार कम हो जाएगा इसकी उम्मीद न के बराबर है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पशुपति पारस ही नाराज है, जीतन राम मांझी भी नाराज है। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि हमने 3 सीट मांगी थी, 1 सीट दी गई है। अब जीतन राम मांझी की नाराजगी को दूर करने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की, लेकिन जीतन राम मांझी मानने को तैयार नहीं है। एनडीए के इस रवैये से जीतन राम मांझी और पशुपति दोनों भरे पड़े हैं। एनडीए के इस रवैये से जीतन राम मांझी और पशुपति दोनों एनडीए से अलग हो सकते हैं और यह एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। खबरें आ रही थी कि चिराग को नवादा, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली, जमुई, गोपालगंज की सीट दी गई है और चिराग तैयार भी हो गए हैं, लेकिन जब चिराग से पशुपति के बारे में पूछा गया तो चिराग ने कहा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। और अब पशुपति पारस कह रहे हैं कि हमारे 5 सांसदों के बारे में फिर से सोचे और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक लिस्ट नहीं जारी हो जाती, इसके बाद हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। पारस कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफी नहीं हो रही है। हाजीपुर सीट को लेकर के पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में खींचातानी है। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट है, इसलिए चिराग अपने पिता के सीट का दावा कर रहे हैं और पशुपति पारस कहना है कि उनके भाई रामविलास पासवान ने ही उन्हें यह सीट दी थी और अब यही सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि बिहार के चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई में नुकसान तो बीजेपी का ही हो रहा है। बीजेपी का ऑफर पारस को पसंद नहीं आया और चिराग हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब पारस का एनडीए के साथ रहना मुश्किल है और जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर पशुपति और जीतन राम मांझी एनडीए से अलग हो जाते हैं तो बिहार का 40 लोकसभा सीटों का जो समीकरण है वो पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा। तो एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बिहार बहुत मुश्किल हो जाएगा और 400 पार का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।